खाली बड़े उसको वेट नहीं करोगे आप, वहाँ से स्पेशल आके फिर खाली का फिर वेट करोगे। नीचे जो भरे हुए थे नीचे थे ना सर, चार दिख रहे हैं, नीचे चार दिख रहे हैं। कॉपी मेरे पास, तुमने अपने ऊपर से उतारे क्या उतारे? पर्स उतार के बोले थे वेट करा, तो मैं बोले तूने खाली प्लेट उतारे थे, खाली प्लेट उतारे थे, खाली प्लेट उस तरह तो वेट होगा या भरेगा? करे हमने भरेगा, करे भरेगा, वेट किया तूने यहाँ को उसने इंटरेस्ट। हाँ तो खाली उतार रखे थे, तीसरा भी सर उतारे थे, सर बोले थे उतारने के लिए, अभी भी तुरवाया था नहीं, भरे भरे तो तुरवाए, भरे के लिए बात कर रहे हम, खाली की बात कर रहे, खाली नीचे चार पड़े थे खाली। बता देना भैया कितने थे खाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के इब्राहिम मंडी से, जहां पर एक ही घर से जो है सात बड़े सिलेंडर, काफी संख्या में जो है छोटे सिलेंडर भी जो है बरामद होते हैं, एक दुकान से जो है बरामद होते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यहां पर जो है गैर कानूनी तरीके से इनको भरा जाता था, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम जो है रेड मारने पहुंचती, और उसके बाद एक ही दुकान से जो है काफी संख्या में सिलेंडर देख सकते हैं कि छोटे भी हैं बड़े भी हैं, और इस दुकान से जो है बरामद किए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इनको अवैध तरीके से जो है भरा जाता था, गैर कानूनी तरीके से इनके अंदर जो है गैस भरी जाती थी, और उसको जो है ब्लैक में बेचा भी जाता था, हालांकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और उसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और इस दुकान पर जो है छापेमारी करके, और उसके बाद जो है काफी संख्या में तकरीबन 6 से 7 बड़े सिलेंडर जो है वो यहाँ पर बरामद किए जाते हैं, और काफी संख्या में छोटे सिलेंडर भी जो है वो भी बरामद किए जाते हैं। और उसके बाद जो है कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है, कागजी कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सीएम फ्लाइंग की टीम भी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है, और उसके बाद जहाँ पे मालिक है वो भी फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए नजर चुरा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों सीएम फ्लाइंग की टीम यहाँ पर आई है जी? मालूम नहीं सर, नहीं आपके पास आइए, कुछ तो कार्रवाई खड़े ये बात ही कर रहे हैं। क्या बात तो बता रहे, कोई गलत तरीके से इसके अंदर गैस भरा करते थे या ब्लैक में बेचा करते थे, तो देख सकते हैं। हालांकि बताने के लिए जो है यहाँ पर तैयार नहीं है, और उसके बाद जो सीएम फ्लाइंग की टीम जो है छापेमारी भी जो है करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो यहाँ के जो दुकानदार है वो जो है कुछ भी बताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बचते हुए नजर जुड़ रहे हैं। और उसके बाद सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो मौके पर पहुंचकर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद जो दुकानदार उनसे कई बार पूछने की कोशिश भी की गई है, लेकिन तैयार नहीं है बताने को। लेकिन सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो है ब्लैक में और गैर कानूनी तरीके से जो है सिलेंडर बेचे जाते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर जो है छापेमारी कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद ये देखते हैं कि सिलेंडर से भरी हुई जो गाड़ी एजेंसी की वो भी जो है मौके पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है सिलेंडर भी बरामद किए जाते हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है बेचे जाते थे, और उसमें जो है गैस भरकर जो है ब्लैक में बेचे जाते थे। हालांकि जब मालिक से पूछने की कोशिश की तो मालिक जो है कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो यहाँ पर जो है कागजी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तकरीबन 14 से 15 सिलेंडर को जो है जब्त किया गया, और खाद्य पूर्ति विभाग भी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है। सीएम फ्लाइंग के साथ साथ जो है खाद्य पूर्ति विभाग की टीम जो है वो भी जो है मौके पर पहुंचकर जो है कागजी कार्रवाई जो है करती हुई नजर आ रही है। काफी संख्या में जो है सिलेंडर, तकरीबन 14 से 15 सिलेंडर जो है कुल यहाँ पर जो इनको बताया जा रहा है कि शायद जब्त भी किया गया, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो है ये ब्लैक में बेचा करते थे, और उसके बाद एक ही दुकान के अंदर जो है इस तरीके का जो यहाँ पर काम किया जाता था। और उसके बाद खाद्य पूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे, हालांकि जो यहाँ के दुकानदार हैं वो जो है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पर रिफिलिंग का काम होता है, और रिफिलिंग के उस पर सीएम फ्लाइंग ने और हमने दोनों ने ज्वाइंटली रेड की है। क्या कार्रवाई है सर यहाँ पे? अब इसमें इसका पर्चा दर्ज करा रहे हैं। अरे कालड़ा, 7 सिलेंडर है ना ये बड़े, 7 सिलेंडर बड़े हैं। कितने इंडियन के हैं, कितने एचपी के हैं? तीन इंडियन के, 2 एचपी के, 2 एचपी के भरे हुए, 2 एचपी के खाली सिलेंडर, खाली। और छोटे कितने हैं? छोटे 7 सिलेंडर, 7 सिलेंडर, 7 खाली है, 7 खाली। जब्त कर लिए गए, सब जब्त कर लिया अभी एजेंसी में जमा। बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी थी, एक सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर का ये इस पे 2 पर्चियां कटी हुई थी, वो इसको देने आया था। क्या कारण था सर यहाँ पर गाड़ी खड़ी होने का? अब गाड़ी तो आप एक बात, आपके घर सिलेंडर आएगा तो गाड़ी तो खड़ी होगी। बड़ी गाड़ी में से जो सिलेंडर है छोटे में भरे जाते हैं, ऐसा भी 2 नंबर। ये काम इनका है, एजेंसी वालों का काम, तो छोटे सिलेंडर बड़े भरे जाते हैं। हाँ ये देखो, एजेंसी वाला क्यों करेगा काम? ये
ये तो जो छोटे डीलर हैं, जो लेबर तबका है वो भी हो सकते हैं लेबर, ये जो जो गरीब तबके के मजदूर है वो छोटे छोटे सिलेंडर भरवाते हैं, तो गलत काम इन्होंने किया हुआ है। 14 किलो से 13 किलो सप्लाई होती है आगे कम। नहीं नहीं 14.2 है ना अभी इनका वेट किया था, सारे एक्यूरेट पाए हैं, कोई वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, वेट की कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? जाके पर्चा दर्ज कराना भाई, DSP साहब किसके खिलाफ करेंगे? दुकान मालिक के खिलाफ। क्या नाम है सर इसका? आपका नाम क्या? तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर खाद्य पूर्ति विभाग और जो है यहाँ पर सीएम फ्लैंक की ओर से जो है ज्वाइंट रेड जो है मारी जाती है, और उसमें जो है 7 बड़े सिलेंडर जो है पकड़े जाते हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके जो है यहाँ पर भरे जाते थे, उनको जो है बेचा जाता था। फिलहाल यहाँ पर जो है 7 बड़े सिलेंडर और कुछ छोटे सिलेंडर जो है उनको जब्त कर जो है सीएम फ्लैंक की टीम और खाद्य पूर्ति विभाग जो अपने कब्जे में लेकर जाके कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि घर में जो है किस तरीके से दुकान में जो है यहाँ पर बेचे जाते थे अवैध तरीके से, उसके बाद जो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है एक रेड की गई है, और उसके बाद सभी सिलेंडर जो अपने कब्जे में लेकर जो है डिटेल्स देख सकते हैं, कागजी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है हमारी। आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।